Assalamualaikum। इस वक्त हम शाउंटर टॉप की तरफ निकल रहे हैं और रास्ता बहुत ही ख़राब है शाउंटर टॉप की तरफ। बाइक्स वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ तक जा सकेगी, उससे आगे इलाकाई लोगों ने कहा है कि उससे आगे नहीं जाएगी। ये जहाँ पर ट्रैक ख़त्म हो रहा है वहाँ तक ही बाइक जाएगी। लेट्स सी कहाँ तक जाती है और हम कहाँ तक पहुँचते हैं। आप इधर रिश्तेदार हैं? इधर आप इधर रिश्तेदार हैं, मेरा भाई है छोटा। आप चाय चाय बनाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। बस हम चाह रहे हैं कि हम जल्दी से देख के तो वापस आए। वापस हमने त्रिशिंग जाना है तो टॉप की पिक्चर खींच के हमने लेके जानी है साथ। हमें फिर इजाजत दें, हम चलते हैं। चाय बनाएंगे, चाय पी के। अल्लाह जजाते, अल्लाह जजाते, मेहमान ने हमारा। अल्लाह जजाते, शुक्रिया। दुआ हमारे लिए कर। आपकी सुन्नत रसूल देख के मैं बहुत बड़ा खुश हो गया। जजाकल्लाह जी, जजाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको भी जजा दे। मैंने उधर से देखा, मैंने वो भाई को बोला ये कोई दूर के मेहमान है, मैं उनको ये मालूम कर लेंगे। चाय पानी है, चाय जल्दी बनाएंगे आपको। नहीं, बहुत शुक्रिया। असल में आगे टाइम बहुत ज्यादा लगना है ना। अभी वापस आएंगे, वापसी में देख लेंगे। आगे वो जो नका नजर नहीं आ रहे हैं जो बर्फ जी, 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 जी। उसके नीचे बड़ा नाला है, नाले में बहुत पानी आ रही है। अच्छा, उधर नहीं जाएंगे? पानी से आगे आपको क्रॉस होना बड़ा मुश्किल। बर्फ से? बर्फ बर्फ तो नहीं है। अच्छा, बर्फ बर्फ अभी नहीं है। चले नाले तक हम चले जाते हैं ना। आगे हम पैदल आगे तक जाओ, देखो आप जी किधर तक जाती है इंशाल्लाह। इस वक्त शाउंटर का रास्ता पूछ रहे थे हम उनसे। क्या चीज रख जाते हैं? इस वक्त शाउंटर का रास्ता पूछ रहे थे और बिल्कुल सामने वो टॉप है, लेकिन कैमरा कैप्चर नहीं करेगा। और इंशाल्लाह देखें अब कहाँ पे जाया जाएगा। ट्रैक कुछ इस तरह का है, पथरीला, और इस जगह पे कीचड़ था थोड़ा सा। यहाँ पे भी फंसी थी बाइक, और उससे पहले जो पीछे ट्रैक था वहाँ पे भी फंसी थी। Let's see अब आगे क्या बनता है इंशाल्लाह। करीब पहुंच चुके हैं, मतलब एंड तक तो जा नहीं सकते, बाइक्स नहीं जाती।
कहीं और करीब पहुंच चुके हैं। दिखाता हूँ यार, क्या इधर हो मुश्किल है, कुछ ही पागल होते हैं हमारी तरह जो आते हैं यहाँ पे। खैर जो आ सकते हैं मैं उनको यही कहता हूँ कि वो ज़रूर आए। जैसा कि आप जानते हैं कि हम शाउंडर पास की तरफ निकले थे अपने बाइक्स पे, ऑफ रोड ट्रैक था, और अब हम कुछ ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे एक वाटरफॉल है, और यहाँ से दो लोगों का बाइक्स लेके जाना मुश्किल है। अगर आप चार पांच लोग होंगे तो इजीली आप इसे क्रॉस करवा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, चेक कीजिए। थोड़ा सा गहरा भी है ये, और पानी बहुत ही ठंडा है और स्पीड में भी है। अभी हम ये नाला क्रॉस करने लगे हैं, नाला भी और आबशार भी। बाइक्स तो जाएंगी नहीं यहाँ से आगे, तो सोच रहे थे कि इसे हम पैदल ही करें अब, और थोड़ा सा आगे 20-25 मिनट आगे जाके हम पास ज़रूर देख के आए। चलें चलें हाथ पकड़ें। इस वक्त हम शाउंटर टॉप की बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। उसामा भाई ने, तैमूर भाई ने आपको वीडियो में जो नाला दिखाया है उससे आगे हमारी बाइक्स नहीं आ सकी, लेकिन अगर चार पांच बंदे होते और बाइक्स आगे आ जाती तो कुछ ना कुछ करके ये ट्रैक बना हुआ है हल्का फुल्का, अपनी मदद आपके तहत शाउंटर टॉप तक जाया जा सकता है अगर बर्फ ऊपर ना हो तो। आगे बर्फ बहुत ज़्यादा है, और हमें इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि अगर बर्फ कम हो और आपके साथ 5-6-7 बंदों का ग्रुप हो तो आप बाइक के ऊपर शाउंटर पास क्रॉस करके शाउंटर वैली में, केल में, आज़ाद कश्मीर में उतर सकते हैं अस्तौर वाली साइड से। That you've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Indeed, you gave me hope. Oh Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things. Waterfall फिर से क्रॉस करने लगे हैं। Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah.
वापसी में ज्यादा पी गए हैं ज्यादा बचत करते हुए। शाउंटर पास जाने से पहले हम एक जगह पे सामान छोड़ के गए थे कि आगे बहुत ज़्यादा हाइट है जिसकी वजह से सामान हमारे से कैरी नहीं किया जाएगा। तो एक बाबा जी हमें मिले थे, वो कहते कि मैं यहाँ पे आपके सामान रख दें, कोई इशू नहीं है, मैं इनका ख्याल रखूँगा। हमने कहा था कि नहीं, आप अपने गांव में जाएं, लेकिन फिर भी वो अभी तक वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारा वेट कर रहे हैं पिछले शायद 2 घंटों से। और हमारा सामान हमने बहुत सामान रखा हुआ है, इवन अपनी चादर उतार के उसके ऊपर रख दी थी अपने हमारे सामान पे कि इसे कोई बच्चा ना छेड़े। ये है सब, इस तरह के लोग हैं यहाँ पे माशाल्लाह।